ये पुराना नुस्खा है, शायद ये देख के आपको मर्ज का अंदाजा हो जाए। ये बहुत पुराना है और इस वक्त मर्ज किस स्टेज पे मैं चेक किए बगैर कुछ नहीं बता सकता। आपको अपने शौहर को साथ लाना चाहिए। यही तो मसला है डॉक्टर साहब, मेरे शौहर को लगता है कि हर मर्ज का इलाज उनके पास है, उन्हें सारी दवाइयों का पता है। मैं समझा नहीं। वो असल में मेरे शौहर ने ना कुछ अरसा दवाइयों की दुकान पे काम किया, बस तब से उनको लगता है कि उन्हें हर दवाई के बारे में पता है और हर मर्ज के बारे में भी, इसलिए वो कभी डॉक्टर पे भी नहीं गए, खुद से दवाई खा लेते हैं। तो फिर मैं आपकी कोई मदद नहीं कर सकता। ऐसे मत कहें डॉक्टर साहब, मैं बहुत मजबूर बीवी हूँ, आपसे फेवर ही मांग रही हूँ और इसके लिए मैं आपकी फीस डबल देने को भी तैयार। आप गलत मत समझें, कम से कम सिर्फ आप मुझे अगर उन दवाइयों का नाम लिख देना जिससे बीमारी बिगड़ सकती है, तो मैं अपने शोहर का ख्याल रख सकती हूँ कि वो कोई गलत दवाई ना खाएं। देखिए आप अपनी फैमिली में बात करें, वो आपके हस्बैंड से बात करेंगे। ये तो मसला, मेरे शोहर ने मुझे सख्ती से मना किया है कि ना मैं अपनी फैमिली में ना उनकी फैमिली में किसी से बात करूं, और अगर मैंने बात की ना तो वो मुझे तलाक दे देंगे। बहुत मजबूर हूँ मैं डॉक्टर साहब, कैसे समझाओ मुझे, मेरा शोहर ठीक चाहिए बस। बेगम साहिबा, बेगम साहिबा, मारियो बाजी, मारियो बाजी। चले बाबू। बेटा एक मिनट, बेटा अब भी तुम रुक जाओ, जल्दबाजी से काम ना लो प्लीज। आपके सबर ने तो ये दिन दिखाया और आप अब भी कह रहे हैं कि मैं जल्दबाजी कर। मारियो बाजी, मारियो बाजी, बेगम साहिबा कमरे में बेहोश पड़ी है। मामा, शुक्र है हो गया काम। हाँ शुक्र है, डॉक्टर बहुत अड़ियल था लेकिन आखिर में दे ही दी दवाई उसके। हाँ अब सीधा घर चलते हैं। अरे नहीं, जो डॉक्टर ने दवाइयाँ दी वो भी तो लेनी है ना। वैसे एक बात है जुगनू, तो खुरम भाई को राजी कैसे करेगी ये दवाइयाँ खाने पे? उसकी फिक्र छोड़ दे, बहुत मोहब्बत करते हैं मुझसे, मेरी कोई बात टालेंगे नहीं। तूने तो हमजा भाई को बुला ही दिया, वैसे मुझे लगता है कि ये सब खुरम भाई की मोहब्बत का असर है ना? देखो भैया ये आगे ना, मैं इधर से सीधे हाथ लेंगे तो मेडिकल स्टोर आएगा, उधर ले ले। जुगनू, जुगनू मेरी बच्ची। अरे बेटा, मैंने तुम्हें इसलिए तो नहीं बुलाया था कि तुम्हारी ऐसी सूरत देखकर खुद को परेशान कर लूं। ठीक हूँ मैं अम्मी। नहीं है ठीक, नहीं है ठीक, तू मेरा दिल कह रहा है, बता मुझे क्या परेशानी है। ससुराल वाले अच्छे नहीं? सभी अच्छे हैं अम्मी, बस शायद मेरे नसीब अच्छे नहीं है। क्या? क्या हुआ तुम्हारे नसीबों को? कौन अच्छा नहीं है तुम्हारे साथ? तुम्हारी सास? वही होगी, वही होगी, वो तो शक्ल से ही कुन्नी लग रही थी। मेरी आंखों पर कौन सा पर्दा आ गया था जो मैं उसको पहचान न सकी।
किसने मेरी बच्ची का 4 दिन में ये हाल कर दिया है। नहीं अम्मी, वो अच्छी हैं, ख्याल भी करती हैं मेरा, ऐसी बात नहीं है। बस क्या मैं कहूँ, बताओ मुझे जुगनू, तो फिर बात क्या है? अरे मेरा दिल बैठ रहा है बेटा, बता दो मुझे, माँ से नहीं छुपाते, बताओ मुझे। मी सब ठीक है, ठीक हूँ मैं। पुरम है, कुछ मसला है? मेरे अल्लाह, ऐसे लड़का को मेरी बच्ची के पल्लू से बांध दिया। जुगनू, क्यों अम्मी को परेशान कर रही हो, पागल हो गई हो तुम? तुम चुप कर जाओ, बात कर रही हूं मैं अपनी बेटी से। बता क्या खराबी है, बता जुगनू, बता मेरी बेटी। नहीं अम्मी, क्या ही खराबी होगी खुर्रम में ऐसी, है ना भाभी? हाँ। बस आपकी वजह से उदास रहती हूँ, आपकी बहुत याद आती है, इसलिए दिल नहीं लगता वहां पर, वरना तो क्या ही हो सकता है, कोई खराबी तो नहीं हो सकती ना खुर्रम में। देखा आपने, आप बिला वजह परेशान हो रही थी। बिला वजह परेशान हो रही थी। तुम सच कह रही हो ना, इसमें कोई बात नहीं भाभी, यकीन दिलाए ना अम्मी को सब ठीक है, कोई कोई मसला ही नहीं है, है ना? आप परेशान हो रही हैं बिला वजह। हमजा कोई भी पहनने लायक नहीं है, इनका हाल तो देखो, they're so worn out। सोनिया तुम्हें क्या हो गया, मैं पहली दफा तो ऑफिस नहीं जा रहा ना, कोई भी शर्ट इनमें से पहन के चला जाऊंगा। पहली दफा तो नहीं जा रहे, लेकिन पहला दिन तो है ना ऑफिस का, वहां तुम्हारे पुराने कलीग्स नहीं होंगे, एंड यू आर असिस्टेंट टू द मेन बॉस। कहते हैं ना, फर्स्ट इंप्रेशन इज योर लास्ट इंप्रेशन, एंड इट नीड्स टू बी गुड। मैं इस बात से बिल्कुल एग्री नहीं करता, पहला इंप्रेशन गलत भी हो सकता है। अब देखो ना, ये शर्ट जो तुमने पकड़ी हुई है, कितना ना अच्छा कलर है यार, डिसेंट सी शर्ट है, ये पहन के चला जाऊंगा। डिसेंट तो है, बट लुक एट इट, इट लुक्स वॉर्न आउट, ये पुरानी लग रही है, ये थोड़ी पहन सकते हैं। क्या खामी है? खूबी क्या है इसमें? अच्छा हमजा, प्लीज एक काम करते हैं ना, मेरे साथ शॉपिंग पे चलो, जल्दी से कुछ लेके आते हैं। सोनिया, तुमने वक्त देखा क्या, मुझे सुबह ऑफिस जाना है, क्या हो गया तुम्हें? ना कोई टाइम नहीं हो रहा, सारी दुकानें खुली होती हैं, प्लीज जल्दी से चलो ना मेरे लिए। सोनिया बजट भी आउट हो जाएगा ना। नहीं, कोई बजट आउट नहीं होगा, इतनी एक्सपेंसिव नहीं होती, अच्छा सा कलर लेके आते, प्लीज यू हैव टू कम। दो मुझे, दो मुझे, आज उठो उठो, वो गेट रेडी प्लीज।